कर्नाटक में सिद्धारमैया मुख्यमंत्री और डीके शिवा कुमार उप मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने जा रहे हैं। बुधवार देर रात सहमति बनने के बाद कांग्रेस ने वीरवार को इसकी औपचारिक घोषणा भी कर दी है। शपथ ग्रहण समारोह 20 मई को दोपहर 12:30 बजे होगा। इससे शपथ ग्रहण समारोह में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भी हिस्सा लेंगे। उन्हें इस शपथ ग्रहण समारोह में विशेष तौर पर आमंत्रित किया गया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव में प्रचार के दौरान भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू शिमला से दोपहर 3:15 पर चंडीगढ़ के लिए रवाना होंगे। वे 3:45 पर चंडीगढ़ पहुंचेंगे। इसके बाद चंडीगढ़ से बेंगलुरु के लिए शाम 4:45 पर फ्लाइट लेंगे। यह फ्लाइट शाम 7:30 पर बेंगलुरु पहुंचेगी। इसके बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू शनिवार को होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेंगे। देखिए, कर्नाटका साउथ का बहुत बड़ा राज्य है और वहाँ काफ़ी अरसे बाद कांग्रेस पार्टी की सरकार आई है। निश्चित तौर पर पहले हिमाचल में कांग्रेस पार्टी ने जीत हासिल की, अब कर्नाटका में जीत हासिल की है। इस दृष्टिकोण से कल वहाँ शपथ ग्रहण समारोह है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री सिद्धारमैया जी और उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार जी के शपथ ग्रहण समारोह में मैं अभी जा रहा हूँ और आने वाले समय में हम चाहेंगे कि निश्चित तौर पर कर्नाटका के साथ भी हमारे को जो कुछ आईटी से संबंधित बातें होंगी वो हम आने वाले समय में उनके साथ करेंगे। नहीं, देखिए, निश्चित तौर पर एक दिशा तो तय हो रही है। अब 24 की परिस्थितियों के हिसाब से क्या होगा वो उस समय की परिस्थितियाँ बताएंगे, लेकिन लोगों की एक दिशा तय होने के लिए इस प्रकार का रास्ता बना है और आने वाले समय में सबसे बड़ी चुनौती मुख्य विपक्षी दल पार्टी भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस ही दे। धन्यवाद सर। किसान की जमीन में खैर लगा है और किसान की जमीन में जब खैर लगा है उसको काटने की परमिशंस नहीं थी। हमारी सरकार ने जो सरकारी जंगलों में भी जमीन थी उसको भी काटने की परमिशन नहीं थी, उसका वर्किंग प्लान बनाया, सुप्रीम कोर्ट में ये गया और उसके बाद हमारी सरकार ने अभी तक जितने भी सुप्रीम कोर्ट में केस किए उनको सबको जीता है पिछले 5 महीने से। ये बहुत बड़ी बात है। हमने शिमला डेवलपमेंट प्लान के संबंध में हाई कोर्ट में अपना पक्ष सही ढंग से रखा, हम उसमें आगे बढ़े और हमें इसमें सफलता मिली। हमने जो सड़कें रोड्स फॉरेस्ट कॉरपोरेशन के द्वारा बनते थे वो सब सुप्रीम कोर्ट से परमिशन लेते थे, हमने उसको विड्रॉ करवाया। खैर के मामले में भी हमारी सफलता हुई, एनजीटी के मामले में भी आगे बढ़ रहे हैं। तो हमारी सरकार गवर्नेंस की तरफ विश्वास करती है। इस दृष्टि से मुझे लगता है कि आने वाले समय में हम और भी जहां हमारे कानूनी दाव पेच के हिसाब से हमारे जो केस फंसे उस दृष्टिकोण से भी हम आगे बढ़ेंगे। के चैनल के लिए शिमला से पुष्पेंद्र कुमार की रिपोर्ट।